लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। लड़के, कोई भी त्योहार हो माँ बाप भाई बहन के साथ ही मनाएगी क्या? किसी और के साथ नहीं खेलेगी क्या? क्या मजा आएगा बताओ? इसलिए रोड पर जान पहचान वालों की बजाय हम लोगों के साथ खेलोगी तो बहुत मजा आएगा। ए, ये क्या बात कर रहे हो? चप्पल से मारूंगी, यू स्टूपिड। लड़की को गुस्सा मत दिला यार। अरे ना रही है। हमारे लोगों को मारता है, कौन है तू? इस मर्द को जन्म लिए हुए 40 साल बीत गए, तुम जैसों को धोना शुरू किए हुए 25 साल बीत गए। मेरा नाम है हरी श्री हरी, मेरे फैंस मुझे प्यार से रियल स्टार बुलाते हैं। मेरे बायोडेटा से अगर तुम डर गए हो तो इज्जत से उस लड़की को सॉरी बोलो और मैदान खाली करो। ये नहीं सोचना कि ये फिल्मी डायलॉग है। अरे बाप रे, बड़ा भारी डायलॉग मारा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अच्छा है तेरा बिल्डअप, उसे छूने से ही तुझे इतना गुस्सा आया तो तेरी आंखों के सामने उसके सारे कपड़े उतार देता हूँ, फिर दिखाना अपना दम। देख क्या रहा है बे, उसे पकड़ के ले क्या। चल छू उसे।
ए, अब उनको मार रहा है, अब उनके पीछे कौन है पता है क्या? तू मेरे सामने आया तो तुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। अगर मैं उसके सामने आ गया तो उसकी कुंडली मिटा दूंगा। Got it. Okay. Thanks, भाई. Super, भाई. Congrats, sir. नमस्ते. Well done, sir. नमस्ते. Thank you. Hi, sir. Hello, ma'am. I'm नंदिनी. राजा ने तुम्हारे ही बारे में बताया yes, था ना? Sir. मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। Okay, sir. बैठ जाओ। मेरी इमेज अलग है, मेरी फिल्में अलग है। मैं इस समाज और जनता के लिए अलग अलग फिल्में करते रहता हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि लोगों के काम आने वाली ही फिल्में करूँ। आप एक लेडी डायरेक्टर हो, क्या तुम सब सही से कर पाओगी? अगर आपका कोऑपरेशन होगा तो जरूर मैं अपना काम अच्छी तरह से कर पाऊंगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे पसंद आया, दैट इज द स्पिरिट। हम जरूर काम करेंगे। अच्छा, कहानी क्या है? एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है सर। मेरे साथ और लव स्टोरी? कहानी बहुत अच्छी है नंदिनी। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या है? लव मास्टर। लव मास्टर बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन कहानी और टाइटल मैच नहीं हो रहा है। वैसे तुमने ये जो टाइटल बताया है उससे संबंधित एक रियल लाइफ कहानी मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी नजर में मोहब्बत एक भगवान का दिया हुआ वरदान है। मोहब्बत की गहराई में कितना भी अंदर डूबो, लेकिन वो गहरा ही रहता है। इसलिए मोहब्बत में दीवी खुशी हो या जख्म हो, मुझे बहुत पसंद है। ओके, डायरी देखकर इन्फॉर्म करवाता हूं, हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर। मैं ही बेस्ट डायरेक्टर हूँ। हमारे एड को बहुत लोगों ने वोट दिया है, हमारा ही बेस्ट होगा। इस साल के एड फिल्म कॉन्टेस्ट में टॉप 3 में आने वाले एड्स में से नंबर 1 स्थान पर आने वाले बेस्ट एड डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाले हैं मिस्टर शिवा फ्रॉम निर्मल एड एजेंसी। मिस्टर शिवा, प्लीज कम ऑन। गुड मॉर्निंग। कॉफी ले लो, खास मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। क्या हुआ भैया, दोबारा वही सपना? हाँ यार। दुखी मत हो भैया, इंसानों को तो सपना आता ही है, लेकिन आपको रोज एक ही सपना आता है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि एक ही सपना मुझे बार बार आ रहा है, और कितने दिन इस सपने से खुश रहूं मैं। कभी ना कभी मुझे एड के लिए फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा, एड इंडस्ट्री का नंबर 1 फिल्म मेकर बनूंगा मैं। तुम्हारे एड्स अच्छे होते हैं, तुम बेस्ट एड फिल्म मेकर का नाम कमाओगे। पैसे चाहिए क्या? जस्ट 500। समझ गया मैं, इस कॉफी में शक्कर ज्यादा थी ना, तभी मुझे पता चल गया था। वहाँ पर्स रखा है ना, जाके उसमें से ले लो। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो बेटा? जाना है माँ, अर्जेंट काम है मुझे, ऊपर से आज बॉस भी आ रहे हैं। तुम कब से ऐसी ही बैठी हो, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। कैसे रेडी हो जाओ माँ, तुम आकर कंघी से बाल बनाओगी तभी तो। ये सब छोड़ो माँ, ये बताओ कि हीरो कहाँ है? लक्ष्मी। हाँ बाप रे, शेर। अरे पापा। लक्ष्मी, ओ यहाँ हो, क्यों रे? सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? फोटो शूट है पापा। इतना ही है या और कुछ? अरे नहीं, और कुछ नहीं है पापा, ये काफी है, इससे आगे कदम मत बढ़ाना। हाँ ठीक है पापा। ओके सुबह बाय। थैंक यू। बैक अप। स्टेला, काम खत्म हो गया, अगर तुम कहो तो एक एक बियर पी लेते हैं। मैं ऐसी नजर आती हूँ? I'm not that type of a girl. Go and have a beer. Sorry. Kisly sorry? I don't drink beer. But I can have a black dog. चलो, तुम मचाते हैं। तूने सुना क्या बोला? इसको ब्लैक डॉग चाहिए। गुड मॉर्निंग। Hey, बिना किसी काम के मेरे ऑफिस में बैठने वाले कौन हो तुम? मेरे काम से आपको क्या मतलब? आप अपना काम देखिए ना। वैसे इतनी ही फिक्र है तो मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Hey, ये पकड़, तेरे 3 महीने की तनख्वाह कितनी है? 2000। 2 महीने की तनख्वाह 4000 दे रहा हूँ। दोबारा अगर मुझे नजर आए ना तो सर फोड़ दूंगा, चल निकाल। अगर मुझसे पंगा लेगा तो सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। सर सर, गुड मॉर्निंग सर। कब आया? सुबह ही आ गया था सर। बिना किसी काम के तुम्हें बैठने के लिए नौकरी पे रखा है क्या?
आराम करने के लिए तुम्हारा कोई गेस्ट हाउस नहीं है? क्या हुआ सर? हा? अरे वहाँ कोई बैठा हुआ था, मेरे आने के बाद भी उठा नहीं, ऊपर से मुझे पूछ रहा कि मैं कौन हूँ। वो तो चाय वाला है सर। इसकी तो क्या हुआ? चाय वाला था। आपने उसे डांटा तो बुरा लग रहा है क्या? अरे डांटने के लिए बुरा नहीं लग रहा है, उसे अपना स्टार समझ के मैंने उसे 2 महीने का एडवांस भी दे दिया और उसे भेज दिया। अरे मेरा सूटकेस कहाँ है? उसे भी आपने दे दिया होगा सर। तुझे हंसी आ रही है क्या? अगर तू वो सूटकेस और 4,000 लेकर के नहीं आए ना तो तेरी तनख्वाह कट, तेरी लाइफ की लगेगी बाट, चल निकल। अरे इसकी तो लगता है ये पागल हो गया है। बहुत सहला लिया, महेश भट्ट की फिल्म बना रहा है क्या? ठीक है, तुझे जो ऐड दिया था वो कर लिया क्या? वो तो कब का हो गया सर? और तुम्हें जो फोटो शूट दिया था वो कब का खत्म हो गया? खत्म हो गया, उसे छोड़, अभी जो है उसे लेके आ। हाँ ठीक है, जाना यार। बहुत स्लिम दिख रहा है, डाइटिंग कर रहा है क्या? गोभी कहाँ है? आ रहा हूँ। इसे भी अभी बुलाना था इसकी तो। ये क्या आधे में ही आ गया क्या? माधुरी दीक्षित जैसे ठुमके क्यों लगा रहा है तू? आपने बुलाया, जल्दबाजी में सुसु करते समय मैंने जिप लगा दी। जिप खराब तो नहीं हुई ना? मुझे जिप की चिंता नहीं है। जिप की वजह से जिंदगी ना खराब हो जाए। देखा ना, छोटी सी चीज जिंदगी बदल देती है। वैसे शिवा कहाँ है? आपके पीछे घूमने से पहले वो आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। शिवा आ गया क्या? अपने एड का क्या हुआ? तुम्हें बेस्ट डायरेक्टर बनना है, अपनी कंपनी का नाम रोशन करना है। निर्मला एड्स नाम तो अच्छा है ना सर? तू क्या चाहता है, निर्मला को छोड़ के दूसरी औरत का नाम रख लूं? अब तक 10-15 बच्चे पैदा कर लिए मैंने। ये गोबर बुद्धि है ना सर? तुम्हारी भी यही फीलिंग है क्या? हाँ? शिवा को देख के कुछ सीख बेवकूफ। हमें बच्चे कहने के लिए थैंक्स जी। तुझे ऐसा सुनाई दिया क्या? इतने सालों से तू कम अकल का है सोच रहा था, पर तू तो बहरा भी है। तो फिर मैं अच्छा तू तो एक नंबर का बेवकूफ है। क्या सर, आप मुझे बेवकूफ कह रहे हो? सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाकर आया हूँ सर। इस चीज की भी आदत है क्या? वैसे कौन से साबुन का इस्तेमाल जो ऐश्वर्या राय इस्तेमाल करती है? लक्स, वही। वैसे आप कौन सा यूज करते हैं? मैं यूज किया वो साबुन इस्तेमाल नहीं करता। सर सर सर, आप छोड़िए ना इस आदमी को, मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है, इस लड़की से बात करता हूँ। बचा लिया यार तूने, नहीं तो ये हमारी जानी खा जाता, सच कह रहा हूँ। एनीवे शिवा, वीकेंड की पार्टी तेरी तरफ से होगी। हाँ ओके भाई। हाय नंदनी। हाय सर, हाउ आर यू? फाइन सर। अच्छा, तुम्हारा सब्जेक्ट कहाँ तक पहुँचा? एक्चुअली उसी बारे में आपसे बात करनी थी सर। लव के ऊपर आपका ओपिनियन सुनने के बाद सोचा नहीं था कि मैं भी एक लव स्टोरी फिल्म बनाऊंगी। विथ योर परमिशन मैं आपकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर ही एक फिल्म बनाने का सोच रही हूँ। आपके बारे में जानने के लिए मुझे एक मौका दीजिए, हर बात को अच्छी तरह से समझ के स्टोरी लिखूंगी। ये उन दिनों की बात है जब मैं हिट पर हिट फिल्में दिए जा रहा था और रिलैक्स करने का मुझे जरा भी टाइम नहीं मिलता था। उन्हीं दिनों एक टीवी चैनल के आयोजित डांस प्रोग्राम पर मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उस प्रोग्राम से जो भी प्रॉफिट होगा उन्होंने कहा था कि वो मेरे अक्षरा फाउंडेशन को डोनेट करेंगे। हम भले ही कोई अच्छा काम ना करें लेकिन जो अच्छा करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इसीलिए मैं वहाँ गया। वेलकम टू स्टूडियो निर्मल, आपके शहर मुंबई में डांस कंपटीशन हो रहा है। इस शो में रॉक करने के लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं। देखने के लिए आप रेडी हैं क्या? तो हमारे जजेस भी रेडी हैं। वेनो मास्टर प्लीज वेलकम अपने ग्लैमर से सबका मन जीतने वाली प्रियंका जी। हमारे नेक्स्ट जज कौन है, गेस कर सकते हैं क्या? हमारे रियल स्टार केशव जी। आज हमारे शो को रॉक करने के लिए हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट रेडी हैं ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के साथ, सो लेट्स वेलकम सपना। बहुत पसंद आया, पर हमारे जजेस को पसंद आया या नहीं देखते हैं वो कितने पॉइंट्स देते हैं। रियल स्टार केशव जी ने कितने पॉइंट्स दिए हैं? थैंक यू सर। अगर मेरा परफॉर्मेंस आपको पसंद आया तो JKN टाइप करके स्पेस देकर सपना लिख के 574474 पर SMS कीजिए। नेक्स्ट ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस के साथ रेडी है आशा। आशा, जब तुम डांस कर रही थी ना
तब मैंने महसूस किया कि तुम्हारा ध्यान डांस से ज्यादा ऑडियंस और जजेस पर था। अगर तुमने डांस पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें और ज्यादा मार्क्स मिलता। थैंक यू सर। आज का हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है सोच रहे हैं क्या? वो अब तक बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। शी इज नन अदर देन महेश्वरी। बीच बीच में मिस्टेक्स थी और मूवमेंट में मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, और मेरी तरफ से आपको मिलते हैं महेश्वरी। महेश्वरी, डांस तुम बहुत अच्छा करती हो, इसीलिए अहंकार और घमंड तुम में बहुत ज्यादा नजर आया। घमंड चाहे कितना भी हो, वो मंच पर नहीं दिखना चाहिए, ये मेरी सोच है। पर अगर तुमने ये सब सही कर लिया तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। मीटिंग क्यों रखी है? मेरा स्वागत कैसे करना है? डिस्कस करने के लिए क्या? ये गजनी वहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? कविता। तुम्हारा नाम क्या है? धनलक्ष्मी। अगर धन चाहिए ना तो ऐसे हाथ बांधने से नहीं मिलेगा। वो रैक में रखी हुई चार साड़ियाँ निकाल कर खोल कर रखो यहाँ पे। क्यों सर? साड़ी पहनना ही नहीं, खोलना भी सीख लो। हाँ? तुम्हारी साड़ी नहीं, अरे उस रैक में रखी हुई साड़ी को यहाँ पे रखोगी ना तो आने वाले कस्टमर्स को खोलकर दिखा सकती हो ना। आई बात समझ में? अरे बॉय, कहाँ गया तू? तुझे ही बोल रहा हूँ। लिफ्ट साफ करने के लिए कपड़ा ढूंढ रहा हूँ। कपड़े की क्या जरूरत है? कोई बनारसी रेशमी साड़ी से पोंछ दो। अरे रहने दीजिए, इतनी महंगी साड़ी से पोंछने की क्या जरूरत है? रुमाल से साफ कर दूंगा। मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। ये कहाँ का इस्तेमाल कर रहा है तू? पहले धो ले इसे। अगर इसका इस्तेमाल करेगा ना तो कस्टमर नहीं आएगा। एक काम कर। क्या? इस शर्ट से पोंछ ले, अच्छा रहेगा। क्या हुआ सर? खिड़की बंद कर दो। खिड़की? खिड़की मतलब घर की खिड़की नहीं, घर बर्बाद करने वाली खिड़की। जाइए ना सर। ये खुद जा रही है और मुझे जाने के लिए बोल रही है। क्या रे, तू अभी तक यहाँ खड़ा है, लिफ्ट को पोछा नहीं क्या? ये लड़की कौन है आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं पता है, तुम्हें पता है क्या? मेरी सेल्स गर्ल है। तुम कौन हो? मैं इस शॉपिंग मॉल का इकलौता मैनेजर हूँ। तो मैं कौन हूँ? लगता है आपके सर पर चोट लगी है। आप अपनी एड एजेंसी के बॉस हो, यहाँ के नहीं। ओ हाँ, मैं तो एड एजेंसी का बॉस हूँ ना। गोपी, क्या कर रहा है तू? ये लो एंगल पे थोड़ा क्रिएटिव होगा, बस इसीलिए। तेरा क्रिएशन तू अपने डायरेक्शन में दिखाना। इन्होंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ और तू क्या एंगल लगा रहा है? इसमें क्या उड़ेगा बालों के अलावा? एक पैसे की अकल नहीं है इस आदमी में। ठीक से कर। स्टैंड लेके आना। तुम एक हफ्ते से काम पर नहीं आए। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, दादा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसे बहाने बनाओगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? निकाल दूंगा। आइंदा ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? चटका लगा क्या? हाँ लगा। कहाँ? यहाँ। मैंने आपको पहले कहीं देखा है? इसके पागलपन से मेरी जान जा रही है, इसके साथ खेल खेलना होगा। उठ। स्टूल चाहिए क्या? कॉफी लेकर आए बिना यहाँ आराम से क्यों बैठा है तू? मैं? आप कौन है? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और तुम यहाँ के बॉय हो। जाकर कॉफी लेकर आओ, जाओ। रुको जरा, रुक जाओ, रुको। ये लड़की मॉडल नहीं है, हमारी सेल्स सुपरवाइजर है। ये शॉट के बीच में क्यों आई? सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था। मेरे साथ आओ, स्टाफ वेरिफिकेशन करते हैं। क्या देख रहा है तू? भाई, चांद की तरह खूबसूरत है और फूलों की तरह मुस्कान है इसकी। अरे बाप रे, कविताएं कर रहा है, मतलब तू गया काम से। कन्फर्म है यार। तुझे एक बात बताऊं, इसकी फोटो इस कैमरे में नहीं, मेरे दिल पे छप गई है। ये लीजिए सर।
मैडम कॉफी चाहिए या टी? ये स्टैचू है यार, वो चाय नहीं पीती है। आपकी मूर्तियाँ दूध नहीं पी रही है क्या? आपको कॉफी चाहिए या टी चाहिए? अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? सर आप चाय लेके क्यों आए हैं सर? मैं सर्विस बॉय हूँ ना सर। लगता है आपकी भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई दवाई वाई लीजिए ना सर। ब्रांडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, विस्की में आ जाओ। बिल्कुल आ जाओ, उसमें नींद की गोली भी डाल देना, मुसीबत खत्म हो जाएगी। सर आपको किसने कहा कि आप सर्विस बॉय हैं? उस बटले ने कहा। तूने देखा, भूलने की बीमारी की वजह से मैनेजर इसके मजे ले रहे हैं। ओ आप हमारे बॉस हैं सर, है ना? भूल गया था। रुकिए सर, मैं उसे देखता हूँ। नहीं नहीं, पहले तुम लोग अपने एड पे ध्यान दो, उसे मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है ना? लव, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, मुझे लव हो जाएगा यार। जब तक मैंने इसे देखा नहीं था, मुझे प्यार के बारे में पता नहीं था। ये फीलिंग बहुत अच्छी है यार। भैया, भैया, मुझे देखकर तुमने पीछे क्या छुपा लिया? कुछ नहीं, तुम जाओ। आगे इतने फोटोज रखकर पीछे तुमने एक ही फोटो छुपाई है, मतलब जरूर समथिंग स्पेशल फोटो है। देखे बिना जाऊंगी नहीं। दिखाओ, दिखाओ। अच्छा सुनो, मैंने हार मान ली। ओके, शोर क्यों मचा रखा है? कुछ नहीं पापा, फोटोशूट के लिए न्यू मॉडल चाहिए, उन्हीं की फोटोज देख रहा था तो ये बंदरिया आके मुझे परेशान। अरे यार, ये तो शरारत करती ही रहती है। बेटा तुम नीचे जाओ। हे, तुम्हारी एड्रेस को देखकर मैंने तुम्हें इस प्रोफेशन में भेजा। तुम्हारे आसपास लड़कियां होती हैं, उन्हें देखकर तुम्हारा मन तो फिसल ही सकता है। वो फीलिंग बहुत डेंजर है, तुम्हें अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। हे शिवा, तुम पर मेरा जो भरोसा है उसे तोड़ना मत। ठीक है पापा। मामी। हाँ, आ रही हूँ ये लेकर। ये लो, तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने चिकन फ्राई बनाई है। लंच ब्रेक में अकेले खाना, किसी ने टेस्ट किया तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। मामी, बिजली का बिल दे तो भर दूंगी। जवान हो गई है फिर भी जॉब करके इस घर को संभाल रही है। तुम्हारे मामा जी के नाटक के पागलपन की वजह से देखो सब कुछ उड़ा दिया उन्होंने, बस ये घर ही बचा है। वैसे आज वो कौन सा नाटक करने वाले हैं? टाइगर, बंगाल टाइगर। मुझे महावीर चक्र अगर देश को बचाने के लिए दिया गया था, और अगर देश की रक्षा करने के लिए दिया गया था, तो मुझे देशवासियों के लिए उसकी लाज रखनी होगी। वो तब भी नहीं योर ऑनर, वो अभी अभी मुझे देना चाहिए। योर ऑनर, अगर यही आपके देश का कानून है तो मैं दिल से सलाम करता हूँ, और अगर यही आपका इंसाफ है तो आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद। आपकी परफॉर्मेंस देखकर तो सुपरस्टार्स भी अपना सिर झुका लेंगे। बहुत बहुत थैंक्स बेटी। अच्छा चलती हूँ मामा जी। बेटी अलका, सुबह तुम्हारी मामी से मैंने क्वार्टर के लिए 100 रुपए मांगे थे, तो बोली मेरे मुंह में जहर डाल देगी। वो ऑफर मुझे पसंद नहीं आया, तो अपने अंदर के कलाकार को ठंडा करने के लिए मैं इस हुलिये में आ गया। बेटा आपके ड्रामे में बहुत अच्छे से जानती हूँ मामा जी। ओके बेटा, थैंक्स। बेटा तुम जिंदगी में जैसा लड़का चाहोगी वैसा ही तुम्हें मिलेगा। बेटा हाय। यस सर, बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए, एक्चुअली मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे मिलने? इन्हें कहीं तो देखा है। हे, आई एम शिवा, तुम्हारी शॉप के फोटोशूट का एड डायरेक्टर हूँ मैं। सो व्हाट? ये फूल लेके अपना नाम बता दो मुझे, वैसे गुस्से में काफी खूबसूरत लगती हो तुम। देखिए सर, मैं इस शॉप में जॉब करने आई हूँ, प्लीज यहाँ कोई सीन क्रिएट मत कीजिए। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। शिवा तू उदास क्यों है यार? जब से उस लड़की को देखा है यार, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं। अरे ये पुराना डायलॉग है यार, कम ऑन। मुझे अवॉइड कर रही है। अबे तू फूल लेके लड़की के अगर आगे पीछे घूमेगा तो कोई भी लड़की अवॉइड करेगी। वो मुझे चाहिए यार, कैसे? बोलने से कुछ नहीं होने वाला। वो लड़की देखने से ट्रेडिशनल लगती है, और हम ट्रेंड फॉलो करने वाले स्टाइलिश लोग हैं। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है यार, लड़की की फैमिली से इंट्रो करना ही होगा। उसकी फैमिली से? मेरे दिल की खिड़की खुल गई है, उसमें से ठंडी हवा अंदर आ रही है। सर कौन हो बेटा? मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। तुम्हें चाहिए क्या बेटा? आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद दे दिया, उठ जाओ। आप बताओ कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपका फैन हूँ गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ना प्लीज। तुम अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के फैन हो ये तो पता चल गया, तुम राजेश खन्ना के भी फैन हो क्या? वो सिर्फ एक ही है और मैं अलग हूँ मामा जी। ये क्या, पहले गुरु बोला और अब मामा बोल रहा है? वो गुरु जी कहूंगा तो थोड़ा अपना सा नहीं लगता, मामा कहने पे एक अपना सा लगता है। ओहो,
आओ बेटा आओ, ये शिवा है मेरा फैन और ये अलका मेरी भांजी। ये क्या, ये यहाँ क्यों आया है? हाय। हाय। मामा जी मुझे भी अपनी तरह कलाकार बना दीजिए ना प्लीज। बना दूंगा लेकिन फिलहाल तुम करते क्या हो? एड फोटोग्राफी। कलाकार बनना कैमरा क्लिक करने की तरह इजी नहीं होता, टैलेंट में किंग बनना पड़ता है। मुझे थोड़ा बहुत आता है मामा जी, बाकी आप सिखा दीजिए। ठीक है, अभी कौन सा ड्रामा करें? रोमियो जूलियट होगा तो थोड़ा मैनेज कर लूंगा। अभी की अभी यहाँ जूलियट कहाँ से आएगी? अरे इससे काम चला लूंगा। गुस्सा मत करो बेटी, नया कलाकार है, थोड़ा एंटरटेन करो प्लीज। गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े रेडी हैं। आहा, गर्मा गर्म पकौड़े, मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। लो खाओ। लो खाओ, बेटा खाओ, 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 खाओ। नाइस एक्सप्रेशंस, इसके फेस के सारे वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। सुनो बेटा, रोमियो जूलियट का जरा एक मोमेंट करके दिखाओ। उसका बैग ले लो, देखना करके दिखाएगा ये। उसके बाद आप उससे कब और कैसे मिले थे? मिलने के बाद क्या हुआ था यही पता करके उस पर काम शुरू करना है। अच्छा, महेश्वरी के बारे में बोल रही हो? सच कहूँ तो उस वक्त उसे जितने पॉइंट्स देने थे मैंने उतने ही दिए। उस लड़की को हर्ट हुआ तो पता है उसने क्या किया? कौन है तुम? हो ये आधी रात को तुम चोरों की तरह मेरे घर में कैसे घुस आई? भूल गए क्या? बदला। मतलब मैंने क्या किया? अच्छा, कल डांस प्रोग्राम में उस लड़की को 80 पॉइंट्स दिया था आपने, ऐसा क्यों किया? क्या देकर दिया था? उसके डांस में तो रिदम था ना। उस लड़की की बॉडी में रिदम था क्या? मेरी बॉडी में अहंकार है क्या? आप कभी डांस करोगे तब पता चलेगा। छोड़िए मुझे। अरे नहीं, छोड़ दूंगा तो तुम मुझे मार दोगी। वैसे भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या है कि रमैया वस्तवैया फिल्म के बाद मैं यहाँ की सारी लड़कियों का भैया बन गया हूँ सिर्फ तुम्हें छोड़कर। हेलो, क्या हुआ? अंदर सेफ तो हो ना? सेफ हूँ, बिल्कुल सही वक्त पे कॉल किया। हाँ, डांस के बारे में कुछ पता नहीं है और मुझे ही एलिमिनेट कर दिया। पहले डांस के बारे में अच्छे से पता करो, उसके बाद पॉइंट्स देना, उसके बाद ही तुम रियल हीरो होगे। ये क्या सर, एक्शन हीरो के घर पर ही एक्शन सीन? कुछ भी हो पर आपकी बातें सुनकर लगता है महेश्वरी बहुत हिम्मत वाली है। हाँ बिल्कुल, महेश्वरी की वार्निंग आपने चैलेंज के तौर पर लिया। यस, डे एंड नाइट एक ही काम। शॉट रेडी है सर, चलो आता हूं। ओके सर। ओके नंदिनी, हम फिर मिलेंगे। मेरा प्रोग्राम क्या है तुम राजा से कोऑर्डिनेट कर लेना। ओके सर, सी यू। ओके सर। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? देखो, इतने वक्त से तुम मुझे फॉलो कर रहे थे लेकिन मैं खामोश थी। मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैंने सोचा तुम समझ जाओगे और चले जाओगे। तुम मेरे पीछे घूमकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ऐसे भी अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती हूँ, तुमसे भी नहीं करनी। प्यार हो चाहे दोस्ती हो, वो दिल से होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। तो दिल से फ्रेंड्स? क्या हुआ भाई, तू 110 साल जिएगा? ये क्या, 10 साल बड़ा क्यों दिया? मैंने ऐसे ही बोल दिया। क्यों रे, दो दिन से तू कहाँ गायब था? कहीं उस लड़की को पटा तो नहीं लिया? नहीं यार। तो फिर फ्रेंडशिप कर लिया क्या? कहाँ यार, फ्रेंडशिप के लिए बोला तब भी नहीं मान रही वो। और ये कह रही है कि तुमसे फ्रेंडशिप क्यों करूं? प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए यार, एक तरफा प्यार में मजा नहीं आता है।
अगर एक तरफा प्यार हुआ तो प्यार प्यार नहीं रहता यार, सजा बन जाता है। अगर वो ना कहती है तब भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कांग्रेट्स भाई, इस खुशी के मौके पे पार्टी होनी चाहिए। अरे पार्टी क्यों कर रहे हो, किसी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हो क्या? अरे नहीं सर, शिवा पार्टी देने की बात कर रहा था। कल शिवा पार्टी देगा क्या? कल शिवा पार्टी नहीं देगा। तो फिर कौन देगा? आरकेएस एंड ग्रैंडसन। वो क्यों देंगे सर? क्योंकि उन्हें हमारा एड पसंद आया, उन्होंने हमारी तारीफ की। कौन हो तुम सब लोग, मेरी टेबल पे क्यों बैठे हो? फुल बिगर मेरे नाम पे बिल फाड़ने वाले हो क्या? भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? हम सब आपके स्टाफ हैं सर, और ये जो है आपकी कंपनी का मैनेजर है। क्या रघुराम जी, क्या हुआ बे? तो और क्या कहूँ, मैं एक कंपनी का एमडी हूँ, ये सब मेरे स्टाफ है। इनकी शॉप में एड के लिए गए तो साड़ी और ब्लाउज लेकर आओ कहता है, ऊपर से टी एंड कॉफी भी लेके आओ बोलता है। वो दूसरा गर्ल दिखा ना, उसे भी लाल कर देता हूँ। तुम्हें तो भूलने की बीमारी है ना, तो फिर ये सब कैसे याद है? मैं छोटी छोटी चीजें भूल जाता हूँ। तुमने जो घाव दिया ना वो नहीं भूलूंगा। बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा था? उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा। अबे बताता हूँ, आज तो बड़ा सीरियस होके बात कर रहे है। आज ही मुझसे सीरियसली बात कर रहे है? तो तू इतनी इज्जत से क्यों? ये तो मामा जी है, इन्हें हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाते हैं ना। अरे एम्बुलेंस के बिना कैसे? नहीं है पागल है क्या? ठीक है, चल 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 जल्दी कर। अंकल को फोन करके बोल दे। डोंट वरी कैसे हैं? मामा जी को कुछ नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या? एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, उल्टा तुम बाइक पर लेकर आए मामा जी को, उन्हें कुछ हो जाता तो। अलका एम्बुलेंस। डॉक्टर साहब मेरे पति कैसे हैं? वक्त पर पेशेंट को हॉस्पिटल लाकर इन्होंने पेशेंट की जान बचाई है और फिर अपना खून भी दिया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। आप जाकर पेशेंट से मिल सकती हैं। थैंक यू। सुनिए जी, आप कैसे हैं? आपको यहाँ लाने वाला यही लड़का है, वक्त पर लाने से आपकी जान बच गई। सॉरी मैंने तुम्हें बेवजह डांट दिया। ये कैसी बात कर रही हो तुम, जाने दो। मेरे मामा जी की जान बचाने के लिए थैंक्स। मामा जी मेरे लिए सब कुछ हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं सह नहीं पाती। उन्हें कुछ हुआ नहीं है ना, तो क्यों रो रही हो तुम? हाँ हंसते हुए काफी अच्छी लगती हो तुम, तो एक बार हंस दो ना प्लीज। तुम ऐसे ही हमेशा हंसती रहना, जिंदगी खुशहाल कटेगी और मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। फ्रेंड्स? कॉफी पिए? ऐसे क्या देख रहे हो? आज तुम कुछ अलग लग रही हो। क्यों? हमेशा जब तुम मुझे देखती थी तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी, लेकिन आज साथ में चल रही हो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा तुमने लाइफ में किसी को मिस किया है क्या? उस मिसिंग वाली फीलिंग को मिस किया है। अरे तुम मुझे कब मिस करोगी? अपने बारे में एक लाइन में कुछ बता सकते हो? ये तो तुम्हें ही बताना चाहिए। मुझे? अरे हम फैंस है ना, प्लीज। मैंने सोचा था तुम दूसरे लड़कों की तरह होगे। क्यों नहीं हूँ क्या? गुड ह्यूमन बीइंग, तुम सभी लोगों को रिस्पेक्ट देते हो। नेक्स्ट। एक अच्छे एड फिल्म डायरेक्टर भी हो। प्लीज। हाँ, और क्या बताऊं? अगर लड़के का नेचर इतना अच्छा है तो मैं गारंटी देती हूँ वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। सच में? वैसे आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट टाइम मुझे किसी की तरफ से इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है। वैसे आज सेलिब्रेट करने का दिल कर रहा है। सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा जी का शिष्य बना, उनकी वजह से तुम मिल गई, वो मेरे लिए बहुत लकी हैं। ये सब मैं जानती हूँ सर। बिल। ए, फीट मेरी तरफ से, बिल मैं पे करूंगा।
थैंक यू सर। शिवा मुझे लेट हो रहा है, मामी घर में अकेली है। बाय। भगवान ने अभी तक मुझे सिर्फ 50% कंफर्मेशन दी है, अगर एक बार ये पलट कर देख लेना तो 75% कंफर्मेशन मिल जाएगी। कई लव स्टोरीज की तरह आपकी लव स्टोरी भी झगड़े से ही शुरू हुई थी ना? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरी जिंदगी में कंजान भावनाओं की नींव माही बन गई। उस रात मेरे घर पर आकर उसने जो हंगामा किया, वहां मुझे उसके अंदर एक मासूमियत दिखाई दी और मुझे उससे प्यार हो गया। सुनकर लगता है आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जितनी मेहनत मैंने हीरो बनने के लिए की, उतनी ही मेहनत मैं उसे मनाने के लिए भी कर रहा हूँ। अब क्या है तुम्हारी समस्या? फैक्ट्री बनाकर किसानों को नौकरी देंगे, सबका उद्धार करेंगे, ऐसा बोलकर हमारे नेताओं की तरह डायलॉगबाजी करके किसानों से उनकी जमीन ले ली। मैंने उसके लिए आपकी कितनी मदद की थी? अरे मंत्री जी, बस 5 दिन का टाइम दीजिए, आपके मांगे हुए पैसे स्विस बैंक के आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मंत्री जी, आचार्य केशव जी, जनता की सेवा के लिए और मेरे दर्शन के लिए उनका टाइम हो गया, चलता हूँ। नमस्ते, नमस्ते। वाह, अच्छा कंट्रोल में रखा है तूने। ये मेरे साथ पैसे खाकर नहीं आए हैं, ये लोग मुझ पर भरोसा करके यहाँ आए हैं, इसीलिए ये इतने डिसिप्लिन में हैं। वैसे भी मेरे लिए ऐसे रोड पर आने की क्या जरूरत थी? अपनी समस्या बताओ। तुम्हारा काम हो गया समझो, एक पल में काम हो जाएगा। किसके लिए काम करोगे और किसके लिए खर्चा करेंगे? तुम्हारे लिए, इस जनता के लिए या तुम्हारी कीर्तन करने वाली जनता के लिए? 4 लोगों को साथ मिलाकर अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? हीरो हूँ या जीरो हूँ सबको पता है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए बोलो। 2009 के इलेक्शन से पहले तुम और तुम्हारी पत्नी झोला लेकर हमारे गांव में गली गली घूमकर हर दरवाजे के सामने खड़े थे। तुम लोग अगर मुझे वोट दोगे तो तुम्हारे गांव में फ्लोराइड की समस्या नहीं होगी, बीमारी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे वादे तुमने लोगों के साथ किए थे, मैं उन्हीं वादों को याद दिलाने आया हूँ। अप्रूवल देने के लिए मैं कोई CM नहीं हूँ। मंत्री जी, वो कोई आसमान से नहीं टपके हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने भी झोला पकड़ा था, वोट मांगा था और कहा था आपको जो चाहिए वो सब करूंगा। तुम तो ऐसे बोलो जैसे इन्होंने मुझे फ्री में वोट दिया है। 1 वोट के 1000, ऊपर से दारू की बोतल। इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले से ही पाल रहा हूँ इन सबको मैं। 1 हफ्ते पहले से पाल रहा है कहते हुए शर्म नहीं आ रही है तुझे? तूने जो दारू की बोतल दी, बिरयानी के पैकेट दी और 2000 के नोट देकर तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इन्हें 5 साल के लिए गुलाम बना लिया है? इसी मासूम जनता के हाथों तुझे नीचे गिराऊंगा, तुझे हराऊंगा, फिर उस सीट पर मैं बैठूंगा। खबरदार, खबर, खबर, खबर। ये क्या है जी, रात दिन तुम मेरे पीछे पड़ी हो, उस रात घर पर आकर मुझे टेंशन दिया और आज यहाँ लोकेशन पर आकर टेंशन दे रही हो। आओ ना बैठ कर बात करते हैं, बैठो। तुम्हारी बॉडी और पर्सनालिटी पर ये डायलॉग फिट नहीं होता। भले ही तुमने मुझे एलिमिनेट कर दिया हो पर ऑडियंस पोल से मैं जीत गई। कल फाइनल प्रोग्राम होने वाला है। ओहो, तो इसलिए आई हो? फोन कर देती तुम्हारा काम हो जाता। हेलो, मैंने अगर तुम्हें वहाँ देख लिया ना तो यहाँ तुम्हारी शूटिंग। इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए आप कितने पॉइंट्स देंगे? मैं तुम्हें दूंगी। ये है मेरे पॉइंट्स। थैंक यू सर। हमारी अगली कंटेस्टेंट है आशा। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं तो कुछ मिस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करना। और इस वक्त के लिए तुम्हारे पॉइंट्स हैं मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। सो लास्ट एंड फाइनली हमारे सामने आ रही है महेश्वरी अपने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। We'll be right back.
परफॉर्मेंस थी, गुड। मेरी तरफ से पॉइंट्स। महेश्वरी नाचे मयूरी। तुम्हारे पॉइंट्स बताऊं मैं? डांस कंपटीशन में श्री महालक्ष्मी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। 5,00,000 रुपए का इनाम हमारी महेश्वरी जीत गई है। थैंक्स, थैंक यू जजेस एंड थैंक्स ऑडियंस। महेश्वरी इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? डांस? यस। हाय। हाय शिवा। घर जा रही हो ना? हाँ। मेट्रो ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं, पास में ही है, चलकर चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर मैं भी चलता हूँ। चलो। आज तो सच में मजा आ गया। इतनी सुंदर लड़की को बाइक पे ले जाने के बजाय पैदल लेके जा रहा है, कौन है यार ये? हाँ आएगी क्या स्वीटी? इडियट का ना बेबी, तुमसे तो मुझे प्यार है, मुझसे प्यार कर लो फिर चली जाओ ना बेबी। What? छोड़ो ना बॉस। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, लड़की को छोड़ के चला जा, इश्क करके भेज दूंगा। ए, लड़की को लेके आ। केशव भाई। ए हीरो तेरा कोई काम नहीं है, आ जाया से। मुझे कोई तोता समझाए क्या जो जाने को बोलेगा और मैं चुपचाप चला जाऊंगा? तुझसे फाइट करने वाले हम लोग कोई डुप्लीकेट रावड़ी नहीं है और ना ही ये फिल्म की शूटिंग है, ओरिजिनल्स हैं। फिल्म की शूटिंग में मास्टर जैसा कहते हैं मैं वैसे रावड़ी को मारता हूँ। यहाँ तुम लोग रियल रावड़ी हो इसलिए जब तक तुम लोग समझ ना जाओ तब तक मारूंगा। फिल्म में डायलॉग मारना बंद कर और निकाल। मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ, चला जा। ए जाओ रे। ए जा। Let's go.
सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर आप इतने बड़े स्टार हो के हमारे लिए रोड पे ऐसे स्टार से पहले मैं भी एक इंसान ही हूँ। सर वन मिनट, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। कौन है ये लड़की? फ्रेंड है सर। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने प्रपोज नहीं किया सर अभी तक। क्यों, मुहूर्त नहीं निकला क्या? तुमने रोज 16 घंटे सोशल मीडिया पर चैटिंग किया होगा फिर भी मन की बात नहीं बता पाए। एनीवे, तुम दोनों मुझे अच्छे लगे। अब जल्द से जल्द तुम अपने मन की बात उसे बता दो। ओके सर। ओके ना, ठीक है सर। सर वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शिवा है सर, एड फिल्म डायरेक्टर हूँ। सर मेरा नाम अलका है। हेलो। हेलो सर। ठीक है शिवा, मेरी शूटिंग का टाइम हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? श्योर। बाय बाय। थैंक यू सर। तू कोई बहुत बड़ा तोप है क्या? हमारा भाई जिस लड़की को छेड़ रहा था उसके बीच में आके तूने उसे मारा? मैंने उसे सबक सिखाने के लिए मारा। अगर बदले की भावना से मारता तो अब तक तुम उसकी लाश पर दिया जला रहे होते। तेरा भाई अगर हॉस्पिटल में है तो उसे टांके लगवा, पट्टी बंधवा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पंगा लिया तो सिर्फ लाशें गिरेंगी। मैंने अगर ठान लिया तो तुझे यहीं पे गाड़ दूंगा। तभी तो बोल रहा हूँ मुझसे पंगा मत ले। अच्छा, तुझ में इतनी ताकत है क्या? जिसने तुझे इतना सब कुछ मेरे बारे में बताया उसने मेरी ताकत के बारे में नहीं बताया। सर हाँ, बढ़िया शॉट दिया। थैंक यू। उस लड़की के लिए तू कितनी मेहनत कर रहा है यार, लेकिन एक बात बताऊं, आंखों के सामने फल और लड़की के लिए जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं होती यार। इसने बिल्कुल सच कहा, इस ब्रेनलेस के दिमाग से पहली बार कोई अच्छा आइडिया आया है। लेकिन लेकिन क्या यार, पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। वो सिर्फ दिखाई अच्छे देते हैं, अगर एक बार उनसे ये बोला ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। हाँ। और नहीं तो क्या। एक दिन हम दोनों ऑफिस से घर जा रहे थे, रोड पे कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर रहा था, लड़की मान नहीं रही थी, वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था। ए, जरा गाड़ी रुको। प्लीज मुझे मना मत करो। मना करोगे तो मैं मर जाऊंगा। क्यों रे, मना किया तो तू मर जाएगा या इसे मार देगा, तेरे लिए प्यार का मतलब यही है। सर आपकी बेटी है क्या? सर आपकी बेटी है, मुझे पता नहीं था सर। मेरी बेटी से अगर प्यार करता तो तुझे थप्पड़ नहीं मारता, जान से मार देता। आपकी बेटी नहीं है तो मुझे क्यों मारा सर? प्यार करना गलत है क्या? गलत है या सही बताता हूँ, मूछे और दाढ़ी आते ही तुम लोगों को प्यार चाहिए। तुम जैसे लड़कों के लिए प्यार एक फैशन बन गया है। हमें अपनी लड़कियों को अकेले बाहर भेजने से डर लगता है। तुम जैसा कोई प्यार के नाम पर कहीं उनकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। पापा चलिए ना, सब देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, उन्हें भी पता चलना चाहिए। झूठे प्यार के नाम पर ऐसे हर लफंगे की चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए, तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी।
सर, प्यार करने वाले से आप देशद्रोही की तरह बात कर रहे हैं। ये आपका बेटा है ना, कभी न कभी ये भी किसी लड़की से प्यार करेगा, और जब वो नहीं मिलेगी ना, तो जब दुखी होगा तो आपको समझ में आएगा। प्यार के बारे में आप जानते ही क्या? तुम जैसों से मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। वही कंफ्यूजन है, और मेरा लव भी मुझे कंफ्यूजन में डाल रहा है। लड़की को भूल जाएगा क्या? जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं उसे आखिरी सांस तक प्यार करता रहूंगा। सच कह रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। हिस्ट्री में प्यार की हार हुई है, प्यार करने वालों की नहीं। तेरे साथ सब अच्छा होगा, चल चलते हैं। क्यों मैडम, तुम तो यही हो, मन कहीं और है। वैसे कहाँ तक पहुँची तुम्हारी लव स्टोरी? देखने से बात करने तक पहुँच गई। कोई बात नहीं, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। एक वक्त था जब लड़कों की गुंडागर्दी देखकर मुझे सभी लड़कों से नफरत हो गई थी, लेकिन जब से शिवा के साथ मेरी नजदीकियाँ बढ़ी हैं, मेरे मन से नफरत हट गई है और शिवा को मैं पसंद करने लगी हूँ। तुम पहल करोगी सोचकर वो पहल करेगा सोचकर तुम। ऐसे ही एक दूसरे की राह देखोगे तो बीच में कोई दूसरा आ जाएगा। छह नाम की एजेंसी है, सोचा था यहाँ पर कलरफुल लाइफ होगी, लेकिन असल में यहाँ पर एक भी रंग नहीं है। अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। Excuse me. Yes, use me. May I come in, sir? आने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है, और अपना काम देख लो। What? Hi sir, I'm Vaishali from Mumbai. आज देरी है, मुझसे क्या काम है? सर, आप किस कंपनी के MD? वो मुझे याद है, भूला नहीं हो, बोलो। मैं आपकी कंपनी में नई अपॉइंटेड मॉडल हूँ, सैंडी ने भेजा है। उस दिन मैंने आपसे फोन पर बात भी की थी, आपने ही मुझे बुलाया है। इतना कुछ बोल रही है तो मैंने ही बुलाया होगा। मुझे भूलने की बीमारी, उसे पता ना चले ऐसा मैनेज करना होगा। अब पहले स्टाफ से परिचय करवाता हूँ। माय डियर स्टाफ, ये लड़की हमारी कंपनी में नई अपॉइंट हुई मॉडल है। इनका नाम है वैशाली, फ्रॉम मुंबई। आई एम वेनू फ्रॉम वेंकटापुरम, क्रिएटिव हेड ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही बोल रहा है, ना क्रिएटिव है ना हेड है, बस सर। हटो 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 हटो। आई एम रामबाबू। कौन है बंदू? मैं ऐसे की तरह बीच में आ रहा है। सर, मैं आपका कैमरामैन हूं। तू कैमरामैन हो या डाबरमैन हो, बीच में भयंकर थ्रिलिंग एंट्रेंस कैसा? पीछे पीछे। हाय शिवा, वैशाली, ही इज मिस्टर शिवा। हाय, वेरी जीनियस। इस कंपनी के अगर दो स्ट्रांग पिलर्स हैं तो एक मैं हूं और दूसरा ये है। हेलो, हाय, समथिंग स्पेशल। हाँ ठीक है, चलो बहुत देख लिया, अपना अपना काम करो, जाओ। बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है, इन सब पे नजर रखना होगा, नहीं तो मेरी एड कंपनी दूसरी कंपनी बन जाएगी। चलो आ गई क्या, आ जाओ। ये क्या मामी, आज पूरे घर में इतनी शांति क्यों है? मामा जी नहीं है क्या? आज संक्रांति है ना। हाँ। कॉलोनी कमेटी हॉल में ड्रामा करने गए हैं वो। तो फिर चलो ना, हम भी चलते हैं। ठीक है, चलो। अग्नि, भड़कती हुई अग्नि, किसने यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? यहाँ पर जश्न की शुरुआत किसने की? यहाँ किसने मेरा सर धड़ से अलग करने की प्रतिज्ञा ली? कोई कुछ कहता क्यों नहीं, डर लगता है क्या? आवाज नहीं निकल रही है ना? Tell me, come on, मेरा सर काट कर ले जाने वाला मर्द कहाँ है? Come on, कोई आगे नहीं आएगा क्या? शिव की तीसरी आँख से भी ज्यादा इस धधकती अग्नि का तेज होता है, जिसकी तरफ देख लूंगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। ए, कितनी बार वही करेगा, पुराना गेटअप और पुराना डायलॉग। कोई नया ट्रेंड फॉलो करो। मौत से डरने वाला, गली में घूमने वाला तुमने गुंडा समझ रखा है क्या? राठौर, विक्रम राठौर, डर मुझे नहीं लगता, मौत को लगता है। अकेले मुझे लेकर जाने का दम नहीं है, इसलिए 6 महीने से पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूम रही है। मुझे ले जाने के लिए मेरे साथ मरने वाले कम से कम 10 लोगों से और चाहिए। डर उसे ताव देने वाली इन मूंछों की कसम, जान से ज्यादा जिसे प्यार करता हूँ उस बेटी की कसम, तुम में से एक भी अगर बचा, तुम सबको मारने से पहले अगर मैं मर गया तो मेरी मूंछे बुड़वा करके मेरी लाश को दफना देना। मामा जी,
ने कितनी सुपर परफॉर्मेंस दी है। मामा जी एक दिन जरूर बड़े आर्टिस्ट बनने वाले हैं। मैं हमेशा उन्हें डांटती रहती हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आती तो मैं ये मिस कर देती। ये है मैटर। आज कैसे भी मुझे अपने दिल की बात उससे कहनी होगी। अरे बताना अलका, वो क्या है कि प्रपोज कर रहा है। नहीं 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 ये नहीं 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 क्यों कह रहे हो? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे ये हे आई लव यू बोल दे। बोल चुप रह। बोल बोल चुप। ओ ओके ओके। अरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। शिवा मुझे जाना होगा। आई विल मीट यू टुमारो। ओके बाय बाय बाय। ये शिवा तुझमें अकल नहीं है क्या? इतना अच्छा मौका तूने गंवा दिया। क्या यार, मन की बात बोलने के लिए बोला तो ना 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 नहीं बोलूंगा। बताना चाह रहा था यार, लेकिन पापा याद आ गए मुझे, इसलिए मैं बता ही नहीं पाया। प्यार के पहले विलन फादर्स ही होते हैं। यार मेरे पापा विलन नहीं है यार। विलन नहीं है तो ये वार्निंग कैसी है? मेरे पापा को आज की जनरेशन के प्यार के बारे में भरोसा नहीं है यार, इसलिए वो अगर प्रेमी प्रेमिकाओं को देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। तो फिर एक काम कर। क्या? असल में तेरे बाप के मन में लव की लेंथ कितनी है ये पता चल गया तो मैटर ही नहीं है। कितनी मेहनत करती हो माँ तुम। पापा के उठने से पहले उन्हें चाय दे देती हो, उनके लिए टिफिन भी बनाती हो, कितना ध्यान रखती हो उनका। और तो बच्चों को स्कूल भी भेजती हो, उसके बाद पापा को ऑफिस भेजना। तुम्हें कोई रेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता। लंच बॉक्स रेडी करना होता है, शाम को 5 बजे तुम्हारा काम फिर से शुरू हो जाता है और वो रात तक चलता है। अरे बेटे शिकायत मुझे करनी चाहिए ना, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बहुत समय से मुझे एक छोटा सा डाउट है माँ, पापा प्यार से और प्यार करने वालों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो ऐसा क्यों सोचते हैं माँ? इसके बारे में कुछ बताओ ना। इस समाज में प्रेम के नाम पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये देखकर उनका दिल पत्थर बन गया है। जो मैंने पूछा उसका जवाब देने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है माँ। भले ही तुम बताना नहीं चाह रही हो, लेकिन एक बेटा होने के नाते मुझे ये जानना जरूरी है माँ। आज तुझे क्या हो गया लक्ष्मी? बच्चों को अतीत के बारे में मत बताओ, उन्हें वो बताओ जो उनके भविष्य में काम आए। क्यों, तुम क्या जानना चाहते हो? बेकार की बातें छोड़ो और अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करो, समझ गए? ठीक है पापा। जाओ। ये क्या था जी? लक्ष्मी अगर तुम मेरी इज्जत करती हो तो बच्चों को कभी भी उस बारे में मत बताना, समय आने पर हम उन्हें सब बता देंगे। कौन है ये? हेलो। हाय डार्लिंग। डार्लिंग कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं? पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। ट्राई करो। मुझे ये सब नहीं करना है। ओके, रॉन्ग नंबर है, बाय। हे हे, मैं हूँ वैशाली। वैशु तुम हो? What are you doing, शाहरुख? शाहरुख ये क्या है यार? मर्दों में मुझे दो लोग ही पसंद है, एक शाहरुख और दूसरा मेरा ड्रीम हीरो शिवा। ड्रीम हीरो? मैं तुम्हारा ड्रीम हीरो नहीं हूँ। Yes, you are my dream hero. पता है क्यों? मैं जहाँ काम करती थी वहाँ मर्द मेरे पीछे पड़ते थे, और जरा तुम्हें देख लो, तुम तो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते। इसलिए सबको वैशु पसंद आती है, पर इस वैशु को तुम पसंद हो। फिक्स। देखो तुम्हें जो फील करना है तुम फील करो, और प्लीज फोन रखो और सो जाओ। आंखें खोल के बैठती हूँ तो आंखों के सामने आ जाते हो, आंखें बंद करके सोती हूँ तो सपनों में आ जाते हो। ठंडे पानी से नहा लो, नींद आ जाएगी। बेकार की बातें मत सोचो समझी। मॉर्निंग में फोटोशूट के लिए फ्रेश रहना जरूरी है, करियर और कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। गुड नाइट। हे शाहरुख, फोन कट कर दिया तो तुम्हें छोड़ दूंगी क्या? चलती हूँ मामा जी। बेटा अलका, तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में मामा जी? बैठो बेटी, तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है। शादी में इतनी भी क्या जल्दी मामा जी? तुम्हारे माँ बाप होते तो अब तक तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करवा चुके होते। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है, अगर मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मैं क्या पर बोझ बन गई हूँ मामा जी? ये क्या कह रही हो बेटी? मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा से बढ़कर आप दोनों हैं मामा जी। सच बात है बेटी, लेकिन हमने तुम्हें कभी ये बात बताई नहीं। नाटक के पागलपन की वजह से सब कुछ गंवा दिया, बस ये घर बचा हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वक्त से पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो बेटी। ये क्या कह मामा जी? सच कह रहा हूँ बेटी, जिंदा रहते ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। वैसे शिवा के बारे में तुम क्या सोचती हो? वो बहुत अच्छा है मामा जी,
वो तो मुझसे दोस्ती करने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन उसके मन में असल में क्या है मैं नहीं जानती। ये कौन सी बड़ी बात है बेटी, चुटकियों में पता लगा लूंगा मैं। नहीं मामा जी, मैं खुद ही पता लगाऊंगी। अगर आप उससे मुझसे शादी करने के लिए कहेंगे तो आपकी इज्जत रखने के लिए शायद वो आपको मना नहीं कर पाएगा। तब तो उसका कोई मतलब नहीं। उसकी मर्जी जानना जरूरी है कि वो सच में मुझसे कितना प्यार करता है। ओहो ठीक है बेटी, तुम दोनों की रजामंदी होगी तो मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन तब तक कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है मामा जी। सोचा था कि यहाँ आकर तुमसे मिल लेती हूँ, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हो। मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो जाओ इसलिए जा रही हूँ। बिजी? मैं कहाँ बिजी हूँ, ये तो हमेशा का काम है। अच्छा कौन है वो लड़की, उसे ऐसे टच क्यों कर रहे थे? Hey, she's my company model. कॉस्ट्यूम ठीक कर रहा था मैं उसके, वैसे भी ये मेरा प्रोफेशन है, बुरा मत मानो। चलो बाहर चल के कॉफी पीते हैं, कूल हो जाओगी। इस वक्त ना मुझे कूल होना है और ना ही कॉफी पीनी है, मुझे बहुत काम है, बाय। क्या हो गया इसे? क्या हुआ, अर्जेंटली क्यों बुलाया और इतने गुस्से में क्यों हो, आखिर बात क्या है? पहले उसने उसके हेयर सेट किए, वो लड़की मुंबई की है, चोटी बांधने नहीं आती है, इसने सोचा उसकी हेल्प कर रहा है, पर उसके बाद मेरे सामने ही उसकी ड्रेस ऐसे ऊपर नीचे सेट करने लगा। मैंने पूछा तो कहने लगा ये तो मेरा रोज का काम है, कंपनी की मॉडल है। हाँ, अच्छा वैसे तुम क्यों गई थी वहाँ पर? वो उसे देखने का मन कर रहा था इसलिए चली गई। हाँ तो, लेकिन वो वहाँ फोटो शूट कर रहा था, वो उसका जॉब है। ओफो, अब तुझे कैसे समझाऊं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से वीणा बजा रहा था और वो नायग्रा फॉल्स की तरह ठुमके लगा रही थी। डार्लिंग इसे ही जेलेसी कहते हैं। मन कर रहा था कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दो। थोड़ा इंतजार कर, वो डायरेक्टर है ना, शायद प्यार का इजहार भी नए अंदाज से करेगा। कल वैलेंटाइंस डे है, हो सकता है कल इजहार कर दे। क्या हो गया, ये अलका अभी तक आई क्यों नहीं? ए, जल्दी चल, अगर शिवा ने आज प्रपोज नहीं किया ना तो मैं ही कर दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं। हाय शिवा। हाय। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। विश यू द सेम। कम। हे शिवा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कम। कम ऑन। छोड़ मुझे। व्हाट हैपेंड? कर दी ना मुसीबत खड़ी। हाय, हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आए हुए लवर्स को, बनने वाले प्रेमियों को और शादी में बनने वाली जोड़ियों को, आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप अपने चाहने वाले के लिए कोई लव सॉन्ग पसंद कीजिए, आपके प्यार का इजहार करने का ये सुनहरा मौका है। हु इज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट? Boom 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 boom। उसने इतनी फीलिंग्स के साथ गाया है तो अब तुम भी वैसे ही अपने प्यार का इजहार करो। हर अच्छे टाइम पे ये हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती है? ये एड कब बना था? ये एड नहीं है सर, मैप है। वैसे मुझे आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ,
ये बताओ जो तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था और तुमने बनाया क्या है? जानबूझ के बनाया क्या? कॉन्सेप्ट जो भी हो सर, क्रिएशन होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने उसे क्रिएट किया है और इसीलिए वो अच्छा बना है। अच्छा बना है ये तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे? क्यों, मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्या? मैंने ही नहीं, उन्होंने भी डिसाइड नहीं किया अभी तक। जरा पास आओगे क्या? निकल। मार खाने पे हंस क्यों रहा है? मार खाने से मैं नहीं हंस रहा हूँ यार, वो फोटो देखकर उस कंपनी के एमडी ने हमारे बॉस को पनिशमेंट दिया वो याद आ गया। हमारे बॉस को कौन सी सजा मिली? तुझे नहीं पता, कंपनी का एमडी एक टीचर है, गलती करने पर वो टीचर की तरह पनिशमेंट भी देता है। कहा था ना शौक हो जाएंगे आप। ये स्कूल ऐड की तरह नहीं है, ये कॉन्डोम की ऐड लग रही है। उस कंपनी को अच्छे से जानते हैं। शट अप। तुम्हें स्कूल का ऐड बनाने के लिए कहा था लेकिन तुमने छोटे छोटे कपड़े पहनाकर कॉन्डोम की ऐड की तरह बना दिया। कॉन्डोम का ऐड? फोटो बदल गया क्या? जरा दिखाइए तो सर। आजकल अगर स्कूल का ऐड ऐसा ना हो ना तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते। नीचे क्या ढूंढ रहे? चेकबुक ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, गन। गन मतलब ऐसे या फिर ऐसे? जेम्स बॉन्ड की तरह फोटो खिंचवानी है? नहीं, तुझे शूट करने के लिए। शूट करने के लिए? सर आप हेडमास्टर है ना, उठक बैठक करवाइए या फिर एक टांग पे खड़ा होने की पनिशमेंट दे दीजिए, पर गन में ढूंढिए। अच्छा याद रहा तुमने मुझे। तुम एक टांग पर खड़े हो जाओ। अगर शूट करेंगे तो ठीक नहीं। अंडरवियर में खड़े हो जाओ। अंडरवियर पहनना भूल गया सर। तो फिर ऐसे ही खड़े हो जाओ। जाओ। कम से कम अपना अंडरवियर तो दे सकते थे ना। क्या यार ये ऐसे ही शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा? चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो, समझे? ये है मैटर। हे शाहरुख, जरा मुझे ड्रॉप कर दो ना। hey, सॉरी वैशु, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम पे जाना। शाहरुख। अरे बाप रे, लगता है ये मुझे छोड़ेगी नहीं। बैठ जाओ। फोन क्यों कर रही है? एक हटो ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरे साथ है। हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। ओह, बिजी हो क्या? हाँ बहुत बिजी हूँ, फोटो शूट कर रहा हूँ। बताओ ना क्या बात है? मैंने सोचा अगर फ्री हो गए तो तुमसे पूछूंगी कि कहीं बाहर चलते हैं, पर तुम तो बहुत बिजी हो ना। ओके बाय। अरे यार, मेरी माँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ का अच्छा मौका खो दिया। क्या हुआ शाहरुख? अब शाहरुख बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या बात है, उदास क्यों है? शिवा के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ? उस दिन वो उसे टच कर रहा था और मैंने पूछा तो कहा कि ये मेरा प्रोफेशन है, और आज वो उसे बाइक पर ले जा रहा था और मुझसे झूठ भी बोला। शायद जैसा मेरे साथ चल रहा है वैसा ही उसके साथ भी उसका चल रहा है। अच्छा, एक वक्त था जब मैं लड़कों से नफरत करती थी, उसने नफरत मिटाकर मेरे अंदर प्यार जगाया, लेकिन अब उसका बिहेवियर देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके मन में चल क्या रहा है। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता भी है? जाओ मंदिर के चक्कर लगाओ। ठीक है पापा, चलो। भैया वहाँ शूटिंग हो रही है, भैया एक बार चलकर देखते हैं ना। चलो पहले चक्कर लगाते हैं। हे भैया, वहाँ देखो हीरो केशव जी है। चलो ना एक बार जाकर बात करते हैं, प्लीज ना। ठीक है, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, तब तक तुम चक्कर लगाओ। हाँ, चक्कर लगाना बंद नहीं करना। हाँ, पापा को पता चला तो हम दोनों फंस जाएंगे। हाँ, जाओ। ओके। एक एक्टर के रूप में आपने बहुत नाम कमाया है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शॉट रेडी है क्या? सर एक मिनट सर। हेलो सर। हेलो हीरो, हाउ आर यू? मैं काहे का हीरो सर। hey, लड़की के लिए तूने इतनी लड़ाई लड़ी, तू हीरो नहीं होगा तो और कौन होगा? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, तू अकेला आया है या? सर उस टॉपिक पे अभी बात मत करिए सर, क्या है कि फैमिली के साथ आया हूं सर। शुभा कहाँ है? वो पापा भैया वहाँ शूटिंग के पास। जल्दी उसे दिल की बात बता। शिवा। पापा। केशव जी, ऐसे लोगों से तुझे क्या काम है? आप इन्हें क्या समझ रहे हैं पापा, कितने बड़े हीरो हैं ये। ये लोगों की नजर में हीरो होगा पर मेरी नजर में विलन है। घर चल। पापा मंदिर में भी शांति नहीं है। हाय नंदिनी जी। हेलो सर। बैठिए।
वैसे आपकी कहानी कहाँ तक पहुँची? आज बाकी की कहानी बताने वाले हैं। शूटिंग कैंसिल हो गई इसलिए मैं मिलने आ गई। मैं आता हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए? केशव जी से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया क्या? वो मुझे जानते हैं। वो बहुत लोगों को जानते हैं। अरे रुक, अरे रुक ना, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। क्या बात है शिवा? ये सब क्या है? आपको मंदिर में देख के मेरे पापा इस तरह से गुस्सा क्यों हो गए? क्या है सर ये? उनके गुस्से के पीछे का सच क्या है सर? और ये फोटो आपके घर में कैसे? आखिर मेरे परिवार से आपका रिश्ता क्या है सर? आओ बताता हूं, बैठो। हर कहानी में एक मोड़ होता है, उसी तरह मेरी कहानी में भी एक मोड़ है। आज मुझे अपनी कहानी बताने का एक अच्छा मौका है, और वो तुम्हें जानना होगा। तुम्हारी बहन मेरी जान थी, हम दोनों बहुत प्यार करते थे। मेरी माही मेरे दिल के कितने करीब थी पता है? हम हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे ना? कोई शक? 100%। तो फिर हम दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं ना? जल्दी की क्या बात है, अभी कर लेते हैं। अरे बाप रे, अभी? पहले तो मैं आकर पापा से बात करनी होगी। हाँ बाबा, बात करूँगा। घर वालों की इजाजत लेनी होगी। ले लूंगा। और अच्छे मुहूर्त में शादी करनी होगी। करेंगे। ओके ना? 100%। क्या हुआ केशव? तका दिया उसने। सरकार ने हमारे गांव के उद्धार के लिए 150 करोड़ दिया था, इसमें लिखा हुआ है। गांव के उद्धार की बात छोड़ो, कम से कम पीने का पानी भी अच्छा नहीं है हमारे गांव में। इसीलिए अपने गांव को गोद लेकर मैं उसे बचा रहा हूं। बचपन में मेरे गांव वाले अपना गांव छोड़कर जीने के लिए बाहर चले जाते थे, ये बात मेरी आंखों के सामने आज भी घूमती है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस कैंप के छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक किसी को नहीं छोड़ूंगा। केशव, इस मैटर को मुझ पर छोड़ दो। मैंने लॉ की पढ़ाई की है, वो एक अच्छे काम में इस्तेमाल होगी, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं उन लोगों को नोटिस भेजूंगी। थैंक यू माही। लाइफ पार्टनर का मतलब सिर्फ जिंदगी को बांटना नहीं होता, बल्कि उम्मीदों को भी बांटना होता है। आई लव यू पापा। थैंक यू। कई दिनों से मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी। तुम जो कहना चाहती वो मैं समझ गया। कौन है वो? उसका नाम केशव नाथ है। प्यार करने के लिए नाम काफी नहीं होता, लेकिन जब ये बात बड़ों के सामने आ जाए तो पता लगाना पड़ता है। आप भी उन्हें जानते हैं पापा, केशव नाथ फिल्म स्टार। प्यार के नाम पर लोग बहुत ढोंग करते हैं, और ऐसे में तुम एक नाटक करने वाले को चाहती हो। केशव बहुत अच्छे हैं पापा, आप जैसे सोच रहे हैं वो उन लोगों की तरह नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, इस बात का मुझे यकीन है। तुम्हें उस पर इतना यकीन क्यों है? इतनी हिम्मत तुम्हें किसने दी? आपकी परवरिश ने पापा। तुम्हें जो कुछ भी सिखाया दिल में बिठाकर सिखाया, पता है क्यों? अगर तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम गिर गई, फिर भी तुम्हारी जगह मेरे दिल में ही होगी। क्या मैं अपनी बेटी की बात समझ नहीं सकता? अगर तुमने किसी मामूली इंसान से प्यार किया होता तो भी मैं तुम्हारे फैसले को मान लेता, लेकिन तुमने प्यार किया है एक नौटंकी करने वाले से। उनकी दुनिया रंगीन होती है, आज तुम हो कल कोई और होगी, ये सब जानते हुए मैं तुम्हें उसके हाथ नहीं सौंप सकता। मेरी बात तो सुनिए पापा। घर में अगर कोई पुराना सामान हो तो उसे फेंक कर हम घर में नया सामान लेकर आते हैं, लेकिन ये जिंदगी है,
अगर इसमें गलत फैसला कर लिया तो इसका अंजाम हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। बच्चों को प्यार करने वाला कोई भी बाप ऐसा फैसला नहीं लेगा। मुझे माफ कर दो। रिंग रोड के पास जगह की रेट ज्यादा होगी ये सोच करके कब्जा किया तो मुझसे सेटलमेंट करने के बजाय मुझ पे पुलिस कंप्लेंट कर रहा है क्या? तेरी तो मेरी आंखों के सामने कोई भी जमीन आई तो उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी भी इंसान को छोड़ूंगा नहीं। चलो रे। ऐसा क्या है इस पेपर में? हमारे साहब ने जो काम किया उसके लिए सरकार पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड देने वाली है क्या? ना हम अच्छा काम करेंगे और ना ही हमें अवार्ड मिलेगा। क्यों रे, अपनी बात बता। हमारे गांव का उद्धार करने के लिए सरकार के द्वारा सैंक्शन किए गए 150 करोड़ सिर्फ नाम का ही है। मतलब एक भी पैसा जनता के लिए खर्च नहीं किया गया और सब के सब आपकी ही तिजोरी में है। ये कोई महेश्वरी है, लॉयर है, आपको लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस क्यों भाई, पैसा खर्चा किया है ना। आपने खर्चा किए बताने के लिए कोर्ट में हिसाब दिखाना पड़ेगा। उसके लिए कोर्ट कमेटी और कमिश्नर और साथ में 4 ऑफिसर को भेजेंगे। फिर हमारी सच्चाई बाहर निकल गई तो हमें अंदर जाना पड़ जाएगा। उसका नाम क्या बताया? महेश्वरी। महेश्वरी। दोनों अगर आपस में बात करना चाहें तो कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं समधी जी? अरे अब बात क्या करनी है बताइए। अभी हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वैसे भी आपकी बेटी के बारे में हम जानते नहीं है क्या? आखिर परवरिश किसकी है? आपके ही दिए हुए संस्कार हैं ये। तो फिर क्यों ना हम सगाई के लिए अच्छा मुहूर्त निकाल लें? नमस्ते जी। मैं यहाँ का मंत्री हूँ। यहाँ लॉयर मैम साहब रहती है ना, उन्हें ही ढूंढते हुए आया हूँ। मैं ही लॉयर हूँ, क्या चाहिए आपको? नमस्ते जी। भगवान की दया से मेरा खजाना भर चुका है। खर्चा कैसे करूं जब मैं सोच रहा था तो आपने एक कागज भिजवा दिया। कोर्ट से नोटिस आया, ये बात जनता को पता चल जाएगी तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। तो जैसे इंसान का असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए, इसलिए केस किया है। अब तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो वो कोर्ट में आकर कहना। प्लीज गेट आउट। देखिए मंत्री जी, घर में शुभ काम हो रहा है, इस समय डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, आप चले जाइए। अरे माँ कसम खा के बोलता हूँ, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, यहाँ केस के बारे में बात करने आया हूँ। आप रुकिए पापा, मैं अभी बात करके आती हूँ, आप चलिए। लॉयर मैम साहब, इज्जत से केस वापस ले लो नहीं तो। धमकी दे रहे हो क्या? जनता के लिए ईमानदारी से जो फंड खर्च करना चाहिए उसे तुम अपने ही स्वार्थ के लिए खर्च कर दोगे तो मैं देखती रहूंगी क्या? मैं कोई गैर जिम्मेदार नागरिक नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबल लॉयर हूँ। क्या बात कर रही हो मैम साहब, औरतें आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगा, पर मुझे अंदर डालने के लिए आगे बढ़ेंगी तो देखता रहूंगा क्या मैं? अच्छा नहीं होगा ना, छोटी हो ये सोच के तुम्हारे घर में मैं आया हूँ, सोचा मेरी बात मान जाओगी, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही हो। कितनी पदवी को खा कर इस पद पे आया हूँ पता है क्या? ऐसे में मेरा पद चला जाएगा तो मैं शांत बैठूंगा क्या? क्या करोगे? क्या करेंगे? माही! जो बात उसने हमें नहीं बताई तुम्हें बताई होगी। हाँ अंकल। बताओ बात क्या है? असल में उस दिन हुआ यूं कि मैं उन लोगों को नोटिस भेजूंगी। सर वो मरी या जिंदा यही देखने आए हो क्या? मत बोलना, हमारी लाश देखनी है तो यहीं रहो, नहीं तो प्लीज। ठीक है सर, मैं चला जाता हूं। चाकू के घाव की वजह से किडनी डैमेज हो गई है, हैवी ब्लीडिंग हुई है, हमने बहुत कोशिश की बट I'm sorry.
जो हुआ उसमें गलतियां ढूंढ कर अगर मैं किसी को दोषी ठहराऊंगा तो भी मेरी माही लौट कर नहीं आएगी। इसीलिए उसकी यादों को मैंने अपने इस दिल में छुपा कर रखा है। प्यार करना, प्यार से जुड़े रहना खुशनसीबी है। दो प्यार करने वाले शादी के बंधन में बंध कर एक साथ जिंदगी जिए तो वो वरदान है। लेकिन इस मामले में मैं बदनसीब हूं। जो दर्द मुझे मिला वो दर्द किसी और को ना मिले, इसीलिए चाहता हूं कि तुम्हारे प्यार की जीत हो। अच्छा, तुमने अपने प्यार के बारे में पापा से बात की? नहीं सर। तो पहले अपने पापा को बताओ, उन्हें किसी भी तरह से मनाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें रोना या गिड़गिड़ाना पड़े, फिर भी अपने प्यार को हासिल करो। तुम्हें उसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसमें तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं करूंगा। कुछ कहना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, कुछ नहीं। रुक जाओ, मैं समझता था कि मैंने अपने बच्चों को प्यार से पाला है। अगर मैं सही हूं तो तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं पापा, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि प्यार हो गया क्या? प्यार हो गया क्या? इस बारे में मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था पापा। क्या कहा, क्या कहा तूने? प्यार, प्यार। मैंने अपने परिवार को प्यार शब्द से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ये प्यार मुझसे बदला ले रहा है। एक बार मेरी बात तो सुनिए। कितने साल बाद इस घर में प्यार का नाम, वो भी तुम्हारे मुंह से। मैंने तुमसे कितनी उम्मीद लगा रखी थी, कितना भरोसा था मुझे तुम पर। वो बात नहीं है पापा, कुछ साल पहले जो कुछ हुआ उसे याद करके। कुछ साल पहले क्या, मैं तुम्हारी बहन की मौत कभी भी भूल नहीं सकता। उसकी मौत की वजह बना वो प्यार और वो इंसान, इससे मुझे नफरत है। पापा, आज तक मैं आपकी किसी भी बात के खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ हूं मैं। मुझे माफ कर दीजिए। 20 साल पहले हमारे साथ रहने वाली मेरी दीदी हमसे दूर हो गई, इस बात से आपको बहुत दुख है मुझे पता है, लेकिन एक बात ऐसी है जो हम में से किसी को नहीं पता है। बताऊं क्या? बेचारे केशव जी, मेरी दीदी से सिर्फ 10 दिन का प्यार था उनका। दीदी के मरने के बाद भी वो आज तक उनकी यादों के साथ जी रहे हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी अकेले हैं। उसकी वजह आप जानते हैं पापा, आपके प्यार से नफरत की वजह से। मतलब इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही महान है, यही कहना चाहते हो तुम? क्या देखना है क्या नहीं वो आंखों पे निर्भर करता है। आप हमसे बचपन में कहा करते थे ना, कोई नदी के किनारे पे खड़ा हो तो उसे गहराई का पता नहीं चलता, वहीं अगर वो इंसान नदी में चला गया तो उसे गहराई का अंदाजा हो जाता है पापा। लक्ष्मी, तुमने देख लिया तुम्हारा बेटा कितनी अच्छी तरह से बात करता है, आज समझ में आया। इसका मतलब अभी भी हम किनारे पर ही खड़े हुए हैं। तुम्हें मैं चाहिए या लड़की चाहिए ये कहने वाला कसाई नहीं हूं मैं, तुम्हारा बाप हूं। लेकिन गहराई जाने के बाद किनारे तक पहुंचने के लिए प्यार कोई नदी नहीं है, समुद्र है। उस समुद्र पे जीत हासिल करने का हौसला है मुझमें, मैं सच कह रहा हूं पापा। हेलो। हाँ हेलो अलका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे अभी पार्क में मिल सकती हो क्या? क्या बात करनी है? तुम्हारे आने के बाद मैं बताऊंगा, तुम जल्दी आ जाओ ना प्लीज यार, प्लीज। ओके ओके, आती हूँ। क्या बात है शिवा, इतनी जल्दी में मिलने बुलाया? बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। क्या बात है कहो। आई लव यू, आई लव यू अलका। अलका, अलका। शिवा, ऐसा सिर्फ तुम अपने मन में मेरे बारे में सोचते हो। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो अलका? देखो शिवा, मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की नजर से ही देखा है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी प्यार वाली फीलिंग आई ही नहीं। प्यार तो इंसान को दिल से होता है, अगर वो प्यार मेरे दिल में होता तो मेरी आंखों में तुम्हें नजर आ जाता। मानता हूँ कि जबान झूठ बोलती है अलका, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अभी मुझे तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो,
तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकती कि तुम पर जो मुझ पर जो तुम्हारा है बहुत ढेर सारा प्यार, ये सब बताने के लिए शब्द ढूंढ रही हो। उफ़ो, शिवा, मेरी खामोशी का मतलब हाँ नहीं है, बात को समझो, हम फ्रेंड्स हैं, जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, बस। प्लीज अक्का, मेरे बारे में सोचो ना, अपने प्यार के बारे में तुम्हें समझाने के लिए मुझे एक सेकंड चाहिए। तुम्हारा हाथ मैं जिंदगी भर के लिए चाहता हूँ। शिवा, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ कॉफी पी सकती हूँ, पर पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। फोन बज रहा है, उठा लो ना। हेलो आंटी, मैं शिवा के ऑफिस से वैशाली बात कर रही हूँ। शिवा को बेस्ट एड फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, यही बताने के लिए शिवा को फोन कर रही थी पर लग नहीं रहा था। शिवा आए तो बता दीजिएगा आंटी। जरूर बता दूंगी, बहुत खुशी हो रही है। शिवा, शिवा, तुम्हारा सपना सच हो गया, तुम्हें बेस्ट एड फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अभी अभी वैशाली ने फोन करके बताया। शिवा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटे, बोलो क्या हुआ? ये सब क्या हो गया बेटा? ये क्या कर लिया तुमने? बोलो, सुनिए जी। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या हुआ? इसने उस लड़की के लिए जहर पी लिया है। भैया, 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 भैया। ये क्या हो गया जी? उससे कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, हिम्मत रखो। भैया को कुछ नहीं होगा ना पापा? उसे कुछ नहीं होगा। सिस्टर, शिवा नाम का पेशेंट रूम नंबर 204 सर। आप क्यों आए हो? वो अब तक मरा नहीं है। उस दिन प्यार के नाम पर मेरी बेटी को दूर किया, आज उसी प्यार के नाम पर मेरे बेटे का ये हाल किया। आप खुशी मिल गई ना तुम्हें? क्या है ये सब? सर, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो बेटी, तुम्हारे प्यार की वजह से मेरे बेटे की ये हालत है। वो खुश नसीब है या बदनसीब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके प्यार को ठुकराने वाले तुम बहुत बदनसीब हो। असल में ये सब इसकी वजह से हुआ है। जैसे ही तुम उससे मिलोगी तुम्हें आई लव यू कहेगा, आई लव यू टू कहोगी तो तुम्हारे मन का डाउट हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? नो कह दो। हाँ, इतनी शौक मत हो। मैंने नो कहने के लिए कहा सिर्फ आज के लिए। नो कहने के बाद आई लव यू कह के तेरे पीछे पड़ा रहा तो समझ लेना कि जेन्युइन लव है। क्या पता उस दूसरी लड़की के पास चला जाए। अरे वही, वो वैशु, तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसकी प्यार की सच्चाई भी जान जाएगी। इसकी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं शिवा से प्यार करती हूँ, शिवा से बहुत प्यार करती हूँ मैं। देखो अलका, प्यार करना बड़ी बात नहीं है, जिससे प्यार किया उसको समझना बड़ी बात है। जब इतनी लड़कियां उसके पीछे पड़ी थी, उसने एक को भी भाव नहीं दिया। जब से उसने तुम्हें देखा है, पागल की तरह तुमसे प्यार करता है। खैर, गलती तुम्हारी भी नहीं है, इस जमाने की है। प्यार के नाम से इस्तेमाल करने वाले इस जनरेशन की है। इस जनरेशन को देखता हूं तो डर लगता है, गलत फहमियों के शिकार हो रहे हैं। प्यार विश्वास होता है, बिना विश्वास के प्यार नहीं टिकता। एक समय था जब प्यार के बड़े बुजुर्ग दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज के इश्क की आशिकी ही दुश्मन है। असल में तुम्हारा प्यार प्यार है या अट्रैक्शन है, ये कंफर्म करके ही प्यार करना।
नाउ ही इज ऑल राइट, आप जाकर उससे मिल सकते हैं। सॉरी शिवा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी ये सोचकर मैं अभी से मरने लगी थी। जब तुम पहली बार मेरे सामने आए थे तभी मुझे पसंद आ गए थे। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल लौट कर वापस आ जाए। I love you, शिवा। I always love you। सुनो शिवा, तुम प्रेमियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। प्यार करो लेकिन प्यार में बेवकूफी मत करो। सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इनके प्यार को कबूल कर लिया। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपसे ज्यादा मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, यह भी आपको मानना पड़ेगा। जब से होश संभाला अपना कहने वाला कोई नहीं था, अनाथ हूं मैं सर, अनाथ हूं मैं। मेरे पास बस मां ही थी और आपने आखिरी वक्त मुझे उसे देखने भी नहीं दिया। ये कैसा न्याय है सर? सर, माही की तस्वीर मैंने अपने घर के दीवार पर लगा रखी है लेकिन वो तो मेरे दिल में है। फिल्म वालों का प्यार करना गुनाह है क्या सर? हम सिर्फ चेहरे पर रंग लगाते हैं सर लेकिन दिल पर कुछ नहीं लगाते हैं। हमारे अंदर भी फीलिंग्स है सर। यही बात मैं उस दिन आपको बताना चाहता था लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। सर, इस जिंदगी में अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मेरी वजह से आपको कोई दुख पहुंचा हो तो माफ कीजिएगा। एक बाप होने के अहंकार में मैं एक इंसान हूं यह बात भूल ही गया था। करोड़ों लोगों के दिलों में तुम हो और तुम मेरी बेटी को अपने दिल में जगा दोगे, ये कहने पर भी मैंने उसे मना कर दिया। अभी भी मेरी बेटी तुम्हारे ही दिल में है। तुम हमारे साथ रहो, हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज केशव, प्लीज। सर लेकिन ये क्या, शादी हो गई और कितना इंतजार करना होगा? खाने का भी टाइम हो गया। ना आपके हाथ में वॉच है और ना ही शादी का मंडप है। किसी का मुंडन है क्या? ये भी शुभ कार्य है। आपके भूलने की बीमारी है। अरे सर, चिंपैंजी जैसा दिखता है, यहाँ क्या कर रहा है? जा जा बाहर जाके खड़ा हो जा। नरजी, 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 मुझे भूलने की बीमारी है। कब से है? क्या कब से? क्या बोल रही है? ये नर्स नहीं है, डॉक्टर है। जान खा जाएंगे आप तो हमारी।